परितोष के जहन में अब बस अपनी माँ अनुपमा से बदला लेना और अपनी बेटी परी को पाने की जिद है। हालांकि वो अपनी माँ से बदला लेने में तो चूक गया है, पर अपनी बेटी को पाने के लिए अब उसने सारी हदें पार करते हुए अपनी ही बेटी को किडनैप कर लिया है। इधर सारे लोग डांडिया कर रहे थे, उधर सबकी नजरों से बचाकर परितोष अपनी बेटी को उठाकर ले गया है, जिसका काफी लंबे समय बाद अनुपमा को पता चला तो वो सभी को इकट्ठा करके इस बात की जानकारी देती है। इसके बाद जो शो का प्रोमो रिलीज हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि परी के गुमशुदा होने के बाद सभी परेशान होते हुए नजर आएंगे। किंजल का भी रो रो कर बुरा हाल होने वाला है, जहां सभी घर वाले वहां पर मौजूद होंगे, पर परितोष वहां पर नजर नहीं आएगा, जिससे सभी को पता चल जाएगा कि परितोष ही अपनी बेटी को लेकर गायब हो गया है। उससे इस हरकत की उम्मीद किसी को नहीं थी, पर उसने तो अब ऐसा कर दिखाया है। उसने ऐसा कर सभी को बता दिया है कि आखिर वो किस हद तक अपनी माँ से बदला लेने के लिए जा सकता है। जिसके बाद आप प्रोमो में देखेंगे कि अनुपमा अपनी पोती को अकेले ही ढूंढने रात में निकल जाएगी। वो अकेले ही गाड़ी चलाकर अपनी बेटी को आसपास खोजने लगेगी, जहाँ वो एक मंदिर में ये प्रार्थना करने के लिए रुकेगी कि किंजल और उसकी बेटी को वो मिला सके। माँ मुझे कोई सुराग दे, तो वहीं पर उसे परी का खिलौना मिलेगा, जिससे उसको अंदाजा होगा कि परितोष वहाँ आया था। पर वो इस खिलौने से कैसे परी का पता लगाएगी, ये तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड में ही आपको पता चलेगा, जो काफी धमाकेदार होने वाला है, जिसे शायद आप भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि परितोष ने जो किया वो सही किया, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।